वार्निंग दी गई है, बावजूद इसके आप आज मंदिर में दर्शन के लिए आए, क्या है, क्या वजह है? अरे वो सबकी रक्षा करते हैं तो हमें हमारी रक्षा करेंगे, इनकी विश्वास पाए हुए हैं, इन्हीं के विश्वास पर सब ठीक रहेगा। क्या आस्था है आपकी इस मंदिर को लेकर और क्या वजह है कि तूफान में भी आप यहाँ पर हैं और क्यों? बस भगवान भरोसा, भरोसा से सब कुछ होता है और क्या, जब भगवान है टिके हुए हैं तो हम लोग रोकेंगे ही, जहाँ भक्त वहाँ भगवान, जहाँ भगवान वहाँ भक्त। सोमनाथ मंदिर को आज भी खुला रखा गया है, उसके पीछे क्या कोई खास वजह है? क्योंकि चक्रवात तूफान है तो ऐसे में कि आपको नहीं लगता कि उसे बंद रखना चाहिए था आज या फिर? मंदिर बंद नहीं रहता है, बाहर के लोगों को हमने विनती की है कि भी आप मत आओ, लेकिन सालों से हो रही आरती कभी बंद नहीं होती है। मैंने अभी बोला कि ये कुदरती आफत है, कुदरत ही रोक सकती है, तो कुदरत को हम क्यों रोके? तो क्या यही वजह, क्योंकि सर हमने देखा कि कुछ भक्त हैं जो परिवार के साथ आ रहे हैं, तो क्योंकि मंदिर खुला है तो वो इसलिए आ भी रहे, तो उनके लिए खतरा हो सकता है प्रशासन ने तो काफी अब कम से कम लोग आए, जो आए हैं वो दर्शन करके सलामत जगह पर अपनी होटल में या वापस चले जाए। और ट्रेन हमने 2 दिन से बंद करी है, बाहर से लोग बिन जरूरी जो लोग नहीं आए, दर्शन के लिए आना है तो 2 दिन के बाद। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी की अपील से राजकोट जैन विजन की पूरी टीम ने, पूरे जैन समाज के सहयोग से हमने ये पूरा आयोजन किया हुआ है, जो यहाँ राजकोट के तंत्र को लेकर हमने पूरा ये गाठिया और जो थेपला है वो हमने बनाया हुआ है, 4 लंग थेपला और 100 ग्राम गाठिया का फूड पैकेट हमने बनाया हुआ है, कल सुखड़ी भी बनाए गए, जैसे जैसे तंत्र हमको बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम ये वितरण का काम बड़ा करते जाएंगे।